मेरे साथ इसीलिए कनेक्टेड है कि आप जो कल्चर के लिए कर रहे हैं वो देख के वो खुश होते हैं। आई डोंट नो, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि फिर वो ऑटोमेटिकली एक प्यार मिलता गया तो मुझे अच्छा लगता रहा कि भाई नहीं, मुझे बहुत सारे लोग हैं, अगर 10% मेरे को बुरा भी बोल रहे हैं, 90% बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग, मैं वीडियोज़ बनाती रही। फेसबुक वालों से आपको कॉल आया था कि? हाँ जी, एक मैनेजर प्रोवाइड किया था उन्होंने मुझे, जो मैनेज करवाते थे उन्होंने मुझे सिखाया। बेसिकली वो मैनेजर ने मुझे बताया कि शिवानी आपको ऐसे करना है, काफ़ी लोगों तक पहुँच गई। तो उस वीडियो से वो शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में। हालांकि उसके लिए मुझे बहुत गालियाँ सुननी पड़ी थी लोगों से कि अब ये कि भाई अब लड़कियाँ डांस करेगी एंड अब वो अब ये हो गया, ये पता नहीं हिमाचल डुबा दिया, ये डुबा दिया, पता नहीं क्या क्या सर। सोशल मीडिया इसने बच्चों को, एक जनरेशन को बर्बाद करके रखा है। दे आर इनटू रील्स, बस रील्स बनानी और पोस्ट करनी है। ये एक, आपको नहीं लगता, एक वायरस की तरह फैल गया? दो यू आर अर्निंग फ्रॉम इट, आप जैसे और भी लोग अर्न करते होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गलत राह पर भी लेके जा रही है? ठीक बोल रहे सर, मतलब और मैं घर पर ये जो अपना कंटेंट क्रिएशन हम लोग करते हैं साथ में मिलके, मेरे हस्बैंड और मैं, तो उससे मैं हाँ उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कहीं ना कहीं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा ये अर्निंग सोर्स है। अब अगर हम इसी में फुल टाइम काम कर रहे हैं तो हम लोग इसी के थ्रू अर्न कर रहे हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से हमारे साथ काम करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं। तो मेरे को एक बात बता, तू पैसे तो लेती है ना इन सब चीज़ों के? नहीं भैया, पैसे कौन लेता है इसके, इसके तो वो देते हैं कपड़े और बस वीडियो बनानी है। भैया ने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको पे किया जाता है इन चीज़ों के लिए। बट अगर कभी अच्छे उस पर चली भी गई ना सर, तो भी मेरा कभी ये नहीं है, मैं हिमाचल से बाहर जाने नहीं चाहती हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि काम करने नहीं जाना चाहती, लेकिन एक वो है ना, मेरा मेन मोटिव है कि अगर हम कभी बड़े भी बन जाएँ तो मैं चाहती हूँ कि हिमाचल की जो कल्चर है ना, हमारी कल्चर की इतनी पहचान बन जाए, लोग स्पेशली आके हमारे कल्चर पर वीडियोज़ बनाएं। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मुनीश सूद, और आज हमारे साथ सोशल मीडिया की एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हिमाचल की, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। शिवानी ठाकुर मेरे साथ हैं और ये हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि हम शिवानी जी से मिलने की काफ़ी दिनों से इच्छा रख रहे थे कि हम चाह रहे थे कि हम अपने दर्शकों को इनसे रूबरू करवाएं और जाने कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है। और मुझे भी मालूम है कि ये भी एक पहला हमारा इंसिडेंट है जब पहली बार हम किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इंटरव्यू द न्यूज़ रडार पे कर रहे हैं। शिवानी जी, तो ये है शिवानी ठाकुर, स्वागत है शिवानी जी। देखिए, हम आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो आपके मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया पे काफी फॉलोअर्स हैं, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा, 168 के करीब हैं। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे सर। हाँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अलग से होंगे? फेसबुक पे 6 लाख से सर। 6 लाख, वाओ, दैट्स अ बिग 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 नंबर। 6 लाख फॉलोअर्स हैं आपके। ये शिवानी जी, हमारे दर्शक तो जानना चाहेंगे, 6 लाख लोग तो आपको जानते होंगे, लेकिन होता है ना कि रोज एक नया फॉलोअर जुड़ता है। डेफिनेटली। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, शिवानी ठाकुर कौन है, ये भूल जाइए आप कि मुझे तो 6 लाख लोग जानते हैं। नहीं 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 सर, डेफिनेटली। आप शुरू से अपनी जर्नी बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से हैं, कैसे यहाँ तक पहुंची, और ये 0 से 6 लाख का सफर ये कैसा था, और आगे क्या प्लान्स हैं आपके, शुरुआत से। ओके, नमस्कार, मेरा नाम शिवानी ठाकुर है और मैं अगर बचपन की बात करूं तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला। मेरा जन्म शिमला में ही हुआ है, पढ़ाई मेरी वहीं से हुई है। अच्छा। लेकिन मैं बेसिकली जो मेरा मायका है वो करसोग में, मंडी में। अच्छा, ये तो मंडी की है जी, जी। तो आप मंडी से, हम तो यही बोलेंगे कि मंडी की बेटी है। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। तो मैं करसोग मंडी के बक्षार क्षेत्र की रहने वाली हूँ और अभी जो मेरी मैरिज हुई है, आफ्टर मैरिज में फिर शिमला रोड़ू की बहू हो गई हूँ। अच्छा, तो अभी मेरी मैरिज रिसेंटली हुई है, रोड़ू में शादी हुई है। पढ़े लिखे आप, बचपन आपका करसोग में बीता? नहीं नहीं, शिमला में, मैं पैदा ही शिमला में हुई हूँ। अच्छा, पैदा शिमला में, बेसिकली रूट्स आपकी? बेसिकली हाँ जी, रूट्स करसोग की है। कहाँ पढ़े आप शिमला? ऑकलैंड हाउस स्कूल में पढ़ी हूँ टिल 10th, ऑकलैंड हाउस स्कूल, और उसके बाद मैं लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल से पढ़ी हूँ। अच्छा, और उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग की है सर, वो मैंने सोलन में मुरारी लाल मेमोरियल स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है। एंड आफ्टर दैट मैं जॉब कर रही थी एज स्टाफ नर्स प्राइवेट, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर वो जॉब करने के कुछ टाइम के बाद, वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद, मैंने टीचिंग की है तकरीबन 3-4 से 5 साल मैंने टीचिंग की है। अच्छा, इन नर्सिंग, नर्सिंग ट्यूटर थी सर, नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ाते थे। हाँ जी, अब मैंने शादी होने के कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने के बाद शादी के, मैंने जॉब अपनी क्विट की है। एंड वो बेसिकली उसके पीछे भी थोड़ी है कहानी,
ऐसी भी कहानी नहीं है, कुछ दुख भरी कहानी नहीं है, बट मेरा ही एक कॉल था कि मतलब लाइक जॉब करनी है नहीं, मैं जॉब करना चाहती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि जो इंस्टीट्यूट था, मैं करना चाहती हूँ टीचिंग, इंस्टीट्यूट मुझसे था दूर और मैं फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती. अच्छा, सो दैट वाज माय कॉल कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है. बिकॉज एक आप होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम शादी करते ही हैं तो आपको एक वो अपने ससुराल वालों से भी वो एक कनेक्टिविटी भी बनानी है, आप उन्हें जानते ही नहीं हो. तो मैं वो चाहती थी बेसिकली कि मैं अपनी जो मेरी फैमिली है, मैं उसको उनको पहले सबको जानना चाहती हूँ. तो इसलिए मेरा ये कॉल था. एंड दूसरी चीज़ ये है सर कि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो मैं नर्सिंग के प्रोफेशन में जो मैं अर्न कर रही थी, मैं नहीं सैटिस्फाइड थी उस अर्निंग से. क्योंकि शिवानी जी की उड़ान थोड़ी नहीं ऊंची थी. नहीं नहीं सर, ऊंची की बात नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिंग प्रोफेशन में, बी इट अ स्टाफ नर्स या फिर आप अगर प्राइवेट में जॉब भी कर रहे हैं कहीं पर, जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है वो आपको नहीं फील होगी, क्योंकि जॉब में सैलरी नहीं है. प्राइवेट जॉब्स में, प्राइवेट में स्पेसिफिकली इन नर्सिंग, प्राइवेट में नॉट एज अ टीचर जॉब मतलब सैलरी अच्छी है, ना एज अ स्टाफ नर्स. हाँ, आपको सरकारी पेपर निकालने पड़ेंगे तभी आपकी सैलरी अच्छी है, एंड वो भी एक अच्छी बात है. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर फिर सरकारी में ही सैलरी मिलनी है तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खोले क्यों गए हैं? खोले क्यों गए हैं? दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, वैलिड सो दैट इज माई, इसीलिए मतलब मेरा मेन कंसर्न ही ये था जॉब छोड़ने का कि भाई एक तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं, ऊपर से मैं अपने परिवार से इतने दूर रह के मतलब क्या कमा रही हूँ मैं. ये तो मुझे घर पे वो ऐसे ही दे देते पॉकेट मनी, ले बेटा, लाइक जो एक होता है मतलब. और मैं घर पर ये जो अपना कंटेंट क्रिएशन हम लोग करते हैं साथ में मिलके मेरे हस्बैंड और मैं, तो उससे मैं काफी अच्छा कमा हाँ लेते हैं. उसके कंपेरेटिवली काफ़ी मतलब. इसीलिए मैंने आपको यहाँ आपसे मुलाकात की है ताकि मेरे हमारे कुछ दर्शक भी होंगे बीच में जो बनना चाहेंगे. देखिए, आप इस तरह इतने ऊपर पहुँच गए, इतने लाखों के हिसाब से आपके फॉलोअर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि कैसे, कब आपने ये शुरू किया, किसने आपको गाइड किया और ये कैसे चीज़ें कैसे हो जाती हैं? देखिए, हर आदमी इतनी ऊंचाई पर इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकता, तो कैसे कैसे हुआ ये सफ़र, कैसे आपने तय किया? सर मैं बताऊं तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, आप जैसे बोल रहे हो ना, किसी ने गाइड किया ना, मेरे घर वालों को किसी को कुछ पता सोशल मीडिया ना, मुझे कुछ पता. तो मैं सिर्फ एक, मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैंने जो वो वीडियो पोस्ट की है फेसबुक पे वो एक फेसबुक पेज बन गया है. मुझे क्या क्या वीडियो था वो? एक नाटी की वीडियो थी सर, मेरे को जानते क्योंकि लोग मेरी नाटी की वजह से है, पहचान मेरी नाटी नहीं बनाई, शुरुआत नाटी से हुई है. जी, पहाड़ी नाटी जो मैंने शुरू की उससे मेरी एक पहचान सबसे शुरुआत में बनी थी. तो मैं उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? आई थिंक मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ती थी, 2015 की बात है ये. अच्छा, तो पता नहीं क्या उम्र थी, हाँ, जो भी. हाँ, लाइक 2015 या 16, पता नहीं 17 भी हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है. अभी अभी मतलब मुझे 7 साल पहले की बात. हाँ, क्योंकि मुझे नहीं है याद कि ऑनेस्टली कब की बात है, मैंने कब शुरू किया. और फेसबुक पे जी पोस्ट कर, मैंने एक रैंडम वीडियो, और उससे पहले मेरा थोड़ा लाइफ का एक बैड फेज रहा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा इन सब चीज़ों में कवर अप करने के लिए कि भाई छोड़ो, टेंशन नहीं लेनी है मुझे, थोड़ा अच्छा, उससे बाहर निकलना है. अच्छा, तो उसके लिए मैंने ऐसे ही एक वीडियो डाल दी थी, तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गई थी. मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट की थी वो, और मुझे नहीं पता था कि मुझे पैसा मिल सकता है कभी यूट्यूब से या फेसबुक से भी. तो मैंने रैंडमली बस दोनों जगह वो वीडियो पोस्ट कर दी, शायद इंस्टाग्राम पे भी है, बहुत पुराने वो डाली मैंने. तो वहाँ वो वीडियो मेरी वायरल हो गई. वायरल मतलब ऐसी भी कोई बहुत ऐसी वाली वायरल नहीं हुई थी कि मिलियंस में चली गई एकदम, पर अच्छी वायरल हो गई थी, मतलब काफ़ी लोगों तक पहुँच गई. तो उस वीडियो से वो शुरुआत हुई थी. अच्छा, स्टार्टिंग में हालांकि उसके लिए मुझे बहुत गालियां सुननी पड़ी थी लोगों से कि अब ये कि भाई अब लड़कियां डांस करेगी, एंड अब वो अब ये हो गया है, ये पता नहीं हिमाचल डुबा दिया, ये डुबा दिया, पता नहीं क्या क्या सब, अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब सिर्फ लोगों ने नहीं, जो गांव के होते हैं ना आसपास के रिश्तेदार, वो जो जो आपको देखना नहीं चाहते, मतलब चिढ़ते हैं, जो उनके काम थे सबसे ज़्यादा. अच्छा, तो वैसे वो लोग सबने बोलना शुरू कर दिया. गांव में भी लोगों ने एक अलग नज़रिया शायद हो सकता है मेरे लिए बना दी, शायद क्या था ही, मुंह पे नहीं बोल सकते ना, मुंह पे फिर मैं थोड़ा मैं बोल देती हूँ वापस. You're also vocal. हाँ, आई एम क्वाइट वोकल अबाउट थिंग्स, तो मेरे को कोई नहीं बोल सकता था डायरेक्टली, बट बोलते थे लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता, जब कोनियाँ बजती हैं आपस में तो पता चल जाता है सर कि कोनी मार रहे एक दूसरे को और बता रहे वो देखो देख, एंड वो अच्छे वाला जब बोलते हैं वो भी दिखता है, जेस्चर अच्छा नहीं था, बुरा बोले, बैड जेस्चर में कोनियाँ मर रही थी, डेफिनेटली वो पता लग जाता है. तो वैसा सब कुछ था, हेट था, सब कुछ था, बट मैं पता नहीं मेरे को एक्चुअली बीच में फिर लॉकडाउन कुछ टाइम के बाद लगा. मैं एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया जॉब कर रही थी, तो इतना मेरे पास कंटिन्यूस टाइम भी नहीं होता था कि मैं ऑल द टाइम वीडियोस पोस्ट कर सकूं. लेकिन जिस टाइम लॉकडाउन लगा तब मेरे पास टाइम था, हालांकि मैं लॉकडाउन के टाइम भी जॉब कर रही थी, ऑनलाइन क्लासेस भी लेती थी मैं बच्चों की, बट उसके साथ साथ मैंने एक अपने पेज पर कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया था. अच्छा,
छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, डांस या नाटक? डांस का, अच्छा डांस, पहाड़ी पहाड़ी डांस का ठीक है स्पेसिफिकली, कि आपने मुझे एक वीडियो भेजनी है, क्योंकि घर पर सब बेले थे उस टाइम, एंग्जाइटी हो रही है सबको। और उस टाइम मैंने ये देखा है कि जो लॉकडाउन के पीरियड में काफी लड़के लड़कियां जिनमें टैलेंट था, आप जैसे लोग थे, वो काफी इन्फ्लुएंसर बन गए। जी जी, एक रूही जूही जो है, देखते होंगे आप भी जो जम्मू से है, रूही एंड जूही जो है सिब्लिंग्स हैं, हाँ वो भी उसी टाइम पॉपुलर हुए जी, हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, जैसे आप हैं, काफी लोग उस समय, सभी सभी लोग जिसमें टैलेंट था उसको मौका मिल गया उभारने का, सब अपने आप को एक बार वो एक्सप्लोर कर पाए, एक्सप्लोर करते हैं, और वो मौका भी मिला और लोग उनको व्यूअरशिप भी मिली। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी। तो मैंने उधर उस टाइम पर मैंने कॉम्पिटिशन एक स्टार्ट किया और मेरे ज्यादा फॉलोअर्स 40,000 थे तब तक, लेकिन 40,000 से वो 80,000 हो गए जब मैंने वो कॉम्पिटिशन शुरू किया। अच्छा, 40,000 आपके तब भी बन चुके थे? हाँ जी बन गए थे, वो पता नहीं कैसे बन गए। अच्छा, मतलब मैंने उसके लिए कुछ ऐसा कोई जतन नहीं किया, जतन नहीं किया, मैंने बस अपनी 3-4 और डाल दी होंगी वीडियोस और फिर वो 40,000 तक मैं पहुंच गई थी। 40,000 के बाद मेरे 80,000 हो गए जब मैंने बहुत सारे लोगों को वो इन्वॉल्व किया, एक स्टेज सॉर्ट ऑफ दिया, छोटा सा स्टेज मेरा मेरे पास। आप अकेली थी? हाँ अकेली, वीडियो एडिट वगैरह आप सब कुछ खुद करते थे? सब वो लोग वीडियो भेजते थे, बस मैं पोस्ट करती थी, एडिट कुछ नहीं होता था उस वीडियो में। अच्छा, मैं पोस्ट करती थी, सिर्फ नाम डालती थी जो भी कंटेस्टेंट है उन्होंने क्या डिटेल्स दी है, और वो सब कुछ मैं पोस्ट करती थी। अच्छा। फिर मैंने, हाँ तो मैंने वैसे ऐसे करके कॉम्पिटिशन कराया, तो जब वो 80,000 हुए मेरा जो पेज था वो हैक हो गया। अच्छा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इन पे नहीं क्लिक करना होता है, कर दिया मैंने और फिर वो पेज हैक हो गया। बट फिर वो मेरे ही एक कज़न है भैया, हालांकि मैंने उनसे कभी इस बारे में गाइडेंस नहीं ली थी, उन्होंने मुझे वो मेरा पेज वापस वो रिवाइव किया उन्होंने। तो उसके बाद से आई डोंट नो, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि फिर वो ऑटोमेटिकली एक प्यार मिलता गया, तो मुझे अच्छा लगता रहा कि भाई नहीं, मुझे बहुत सारे लोग हैं, अगर 10% मेरे को बुरा भी बोल रहे हैं तो 90% बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नेचुरली। तो उनके लिए हम लोग, मैं वीडियोस बनाती रही। तो बस क्या वीडियोस में कंटेंट क्या रहता था आपका, नाटी ओनली? नहीं नहीं सर, नाटी तो सिर्फ एक पार्ट था उसका। फिर मैंने स्टार्ट किए थोड़े अपने जो व्लॉग्स थे, मैंने वो स्टार्ट किए कि मेरा डेली लाइफ स्टाइल कैसा रह रहा है, थोड़ा बहुत मैंने वो शुरू कर दिया। एंड मैंने बेसिकली कंटेंट मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, मैं सिर्फ नाटी नहीं, मेरे को दूसरा डांस करना भी पसंद था, तो बीच में मैं वो भी पोस्ट करती रही उस पर। पर अगर मेरे फेसबुक पेज की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उसमें मेनली कल्चर का है कि गांव में, जब मैं गांव जाती थी तो गांव में क्या क्या चीज़ें मेरे होती है, गांव में मैं जो देखती हूँ तो वो क्या क्या चीज़ें, तो उनसे मैंने पहाड़ी बोली सीखी क्या, मुझे आती थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने उस पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अपनी बोली में एक दादी का कैरेक्टर पकड़ लिया और अच्छा। मैंने वैसी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अच्छा, थोड़ी बहुत मतलब मैंने वो भी बनाई सुकेती दादी के नाम से। अच्छा, कि मैं सुकेती दादी का कैरेक्टर, तब मैं भी आपका फॉलोअर नहीं था शायद। नहीं होने सर आप भी उस टाइम पर, तो सुकेती दादी का कैरेक्टर था तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि मेरी साइड के जो लोग थे ना वो कनेक्ट कर पाए बिल्कुल, मैं पूरा दादी का कैरेक्टर वो खूड में जा रही, पूरा कैरेक्टर पूरी वीडियो बना के दिखा रही थी। करसोग की बात कर रही हूं? हां जी हां जी, करसोग की बात कर रही हूं। तो वहां मैं वीडियोस बनाती थी, दादी दादू का कैरेक्टर भी खुद ही बनती थी, दादू भी खुद ही बनती थी। आजकल है ऐसा? हां, आप दो उसमें फ्रेम्स में काम कर लेते हैं। वो तो फ्रेम की बात थी सर, वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं मेरे को इतना पता था। पहले आप एक कैरेक्टर को करेंगी, फिर दूसरे को करेंगी, फिर क्लब करेंगी, फिर वो करती थी, और मुझे कोई गाइड नहीं करता था, मैं ये सब कुछ खुद करती थी। लाइक मैं बस मर्ज कर देती थी जैसे मुझसे होता था, एंड मुझे इतना पता नहीं, माइक नहीं था, कुछ नहीं आइडिया था, बट मैं अपने आप से ये करती थी। एंड जब मुझे पता चलने लगा कि अरे भाई पैसे भी मिल रहे हैं, मुझे फेसबुक से कॉल आई कि हम आपको पे करेंगे, मैं कहा बस तुम एक बार हैक कर चुके हो, मुझे लगा हैकर्स है वो। अच्छा। तो क्योंकि फेसबुक वालों ने, मैनेजर था कोई फेसबुक से मिला हुआ, उन्होंने कॉल की, एंड आई वाज लाइक बस मुझे तो ये फेक लग रहा है, क्योंकि पहले मेरा पेज हैक हो चुका था, तो फिर वही कि मुझे ऐसा था कि दूध का जला वो छाछ। अच्छा, फेसबुक वालों से आपको कॉल आया था कि ये? हाँ जी, एक मैनेजर प्रोवाइड किया था उन्होंने मुझे। अच्छा। जो मैनेज करवाते थे उन्होंने मुझे सिखाया, बेसिकली वो मैनेजर ने मुझे बताया कि शिवानी आपको ऐसे करना है, वो भी मुझे 10 दिन के लिए मैनेजर देते हैं ना वो, कि थोड़ी आपकी मदद हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट 10 डेज? हाँ जी, तो उन्होंने बस मुझे 10 दिन तक वो सिखाया, बहुत बाद में, लाइक जब आपकी रीच अच्छी हो जाए, आपकी अच्छा एंगेजिंग सा लगे उनको कि नहीं लोग एंगेज कर रहे हैं, बट इस बंदे को पता नहीं चल रहा चलाना कैसा है, तब वो एक मैनेजर दे देते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एक मैनेजर प्रोवाइड किए थे, एंड उन्होंने मेरी हेल्प की फेसबुक पे। तो बेसिकली अच्छा, अगर मैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करूँ तो यूट्यूब के फॉलोअर्स नहीं हमने पूछे आपसे, वो तो 67,000 है सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे मेरे, कम है, बट वो भी मैं बहुत टाइम से चला रही हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ उसमें भी, बट क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है ना बहुत पुरानी भी होती है, वो कनेक्ट करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर थोड़ा जो आप, जैसे अगर मैं बात करूँ तो बाकी जो हमारी वीडियोस चली वो चली जब शादी हो गई हमारी।
हाँ, फिर आपने हस्बैंड को भी बीच में लाया, आपने इनको भी एक्टर बना दिया। ये एक्चुअल में पहले से थे, मतलब अच्छा, इनको खुद से पसंद था, घर के अंदर एक्टिंग करते थे पहले ये बंद हाँ, कमरे में। अब तो आपने वो रील्स बनाने शुरू कर दिए जो जी जनरल चलती है, हाँ हस्बैंड जी वाइफ वाली, वो मैं देख रहा था इस हाँ, बार। वो बनाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने म्यूजिक वीडियोस में भी, मतलब इधर हिमाचली म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है दोनों ने साथ में। अच्छा इनसे मतलब मैंने करवा दिया, मैंने अच्छा नहीं, वो खुद ही बोल देते थे वहाँ से, जो डायरेक्टर्स होते थे कि आप अपने हस्बैंड को बोल दो अगर आप साथ अच्छा में करना चाहो अच्छा अच्छा तो अच्छा वैसे वैसे, क्योंकि हमने ना सर शादी में हमारे, इसलिए हम वायरल हुए शादी की वीडियोस, आपने शादी के वीडियोस भी डाले ट्रेडिशनल उसमें थे हम सर, जो रिसेप्शन होती है ना, जो पूरे वहां के, जो को शिमला, अपर हाँ शिमला का, रोडू का। रोडू की ट्रेडिशनल अटायर पहना था इन्होंने, ऊन का कोट पहना था, और मैंने ऊन की जुड़की पहनी थी। जुड़की होती है ऐसा, जैसा कोट सा होता है, पता नहीं आपने मेरी प्रोफाइल में कभी देखा होगा, नहीं, अभी नहीं देख पा, देखूंगा अब। तो वो हमने पहना हुआ था। एंड वो थोड़ा ट्रेंडिंग में चल पड़ा कि भाई रिसेप्शन में भी अपने ऊन के कपड़े, अपना लिबास पहना है लोगों ने। एंड वो अच्छा मेरा पहले से प्लान था, ऐसा नहीं था कि मेरे को कंटेंट के लिए वो करना है, अच्छा मेरे को, मैं जेन्युइनली कनेक्टेड हूँ अपनी रूट्स के साथ। मेरा ऐसा है कि अगर आप मॉडर्न हो, मॉडर्नाइजेशन इज़ गुड, लेकिन अपनी रूट्स को आप कभी मत भूलो। सो दैट इज़ और वाई आपको फायदा रूट्स का ही मिला है, मुझे एग्जैक्टली लग रहा है कि जब आपने बिल्कुल लोकल अपना वीडियोस डालने पोस्ट के, तब लोगों ने कनेक्ट हाँ किया जी हाँ आपको। जी बिल्कुल, लोग मेरे साथ इसीलिए कनेक्टेड है कि आप जो कल्चर के लिए कर रहे हैं वो देख के वो खुश होते हैं। नाटी कर लो, नाटी हो गई या जो मर्जी हो गया, हम लोग अपनी बोली की बात कर लें। क्योंकि एक दिन हमने एक व्लॉग बनाया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, आज हम पूरे दिन पहाड़ी में बात करेंगे, हस्बैंड नहीं थे शायद, शिमला में बनाया था मैंने, कि आज हम पूरे दिन सिर्फ पहाड़ी में बात करेंगे। तो वो मैंने पूरा पहाड़ी व्लॉग, हालांकि सर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो शिमला में पढ़ी हूँ मैं, एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ जहाँ बिल्कुल पे आपको हिंदी बोलने भी नहीं देते थे, नहीं देते फाइन थे, लगता था। बट बिल्कुल। फिर भी मेरा इतना है कि मैं गाँव जैसे जाती थी ना, तो मेरी दादी नानी के साथ मैंने हमेशा पहाड़ी में बात की है, तो वहाँ से मेरा एक कनेक्शन है अपनी लैंग्वेज, अपने अपनी चीज़ों के साथ, अपने गाँव के हाँ, साथ। वो छोड़ा नहीं आपने, अपनी मिट्टी की आपने हाँ जी बिल्कुल अपनी कदर की। ये होना भी चाहिए कि आप जहाँ सभी में मर्जी होना चाहिए, पढ़ें, आप बिल्कुल विदेशों में पढ़ें चाहे कॉन्वेंट में पढ़ें, जो भी पढ़ें, ये वही आपको अपना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। रूट्स के साथ रहना तो चाहिए शिवानी बिल्कुल। जी, जैसे ये सफ़र आपका आगे आगे बढ़ता गया और आप आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि आपको लोग अब फंक्शंस पे बुलाते हैं, एज चीफ गेस्ट बुलाते हैं, जी आपको प्रोमोस के लिए बुलाते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए बुलाते हैं, जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है। बट मतलब फिर जब वो, बट वो जब वो नेगोशिएशंस होने लगती है ना कि फ्री में कर दो, फ्री में कर दो, तो फिर वो बुरा भी लगता है। इसलिए बुरा लगता है कि सर उनका काम, काम उनका भी तो काम है ना, वो भी तो कोई बिल्कुल काम कर रहे हैं, वो भी तो बिल्कुल उससे बिल्कुल अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल बट हमारी जब बात आती है तो सब हमारे को फिर नेगोशिएट कर, नेगोशिएशन भी नहीं होती, वो सीधा होता है एक बार्टर, कोलैबोरेशन, बार्टर करो, आप हमें ये दो, हम आपको बदले में ये देंगे, पेमेंट हम नहीं करेंगे। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्लोदिंग हम भेज रहे हैं, आप बस वीडियो बना दो, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे उसके लिए, आप ऐसा करते हैं होता है। ऐसा? मैंने तो यही किया सर पहले पहले स्टार्टिंग में यही हाँ, किया सभी करते हैं, मैंने भी देखा है कि उनको फ्री, जो मैं रील्स वगैरह हम भी देखते जी हैं, मैं क्या देखता हूँ कि कोई ना कोई प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री आ रहा है, कुरियर्स आ रहे हैं, जी वो पहन रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं, जी बट दे डोंट पे यू। आपका ये मानना है कि मैक्सिमम डोंट पे यू? यहाँ नहीं पे करते सर इन हिमाचल, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, दे पे यू अ वेरी गुड अमाउंट। फिर जब वो ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, उसके साथ काम करने के बाद इधर लगता है कि अरे ऐसा मत करो ना, हमारी टाइम की भी तो वैल्यू है, हमारी भी तो जॉब है ये, दिस इज़ अ जॉब। हाँ, आजकल ये जॉब ही है, हाँ अब कहीं क्योंकि कहीं समझ आता है सर, कोई जानने वाला है, ऑब्वियसली हम लोग भी इतने मीन नहीं है कि हम लोग अपना ही सोचेंगे कि नहीं, आप तो रिश्तेदार होंगे अपनी जगह, ऐसा नहीं है हमारा भी, हमें भी पता है रिश्तेदार है, हमें उनके साथ कैसे काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा ये अर्निंग सोर्स है, अब अगर हम इसी में फुल टाइम काम कर रहे हैं तो हम लोग इसी के थ्रू अर्न कर रहे हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से हमारे साथ काम करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं। तो वो है, बाकी ऐसा नहीं, ब्रांड कोलैब्स अब आते हैं सर, बस ये है कि स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं होता था, मेरा तो बेवकूफ़ी बनाया होगा आधे ब्रांड्स ने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था। और अच्छा, मेरी मतलब ये तब की बात कर रही हूँ, इतनी भी स्टार्टिंग नहीं, 1 लाख से अब हो चुके हैं, बट मुझे पता नहीं कि पैसे मिलते हैं, अच्छा लोग 5,000 फॉलोअर्स में पैसे ले रहे हैं, और मैं 1 लाख, 1 लाख फॉलोअर्स पे भी कोई बात नहीं, आप भेज देना प्रोडक्ट, मैं कर दूंगी वीडियो, मैं ऐसी हो थी, थी मुझे नहीं पता था, क्योंकि फिर अल्फा कब मेरे आपको? भैया है वही वाले भैया जिन्होंने वो मेरा अकाउंट जब हैक हो हाँ गया हाँ था, हाँ हाँ उन्होंने मुझे बोला कि तू तू मेरे को एक बात बता, तू पैसे तो लेती है ना इन सब चीज़ों के। मैं नहीं भैया पैसे कौन लेता है इसके, इसके तो वो देते हैं कपड़े और बस वीडियो बनानी है,
भैया ने मुझे बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको पे किया जाता है इन चीज़ों के लिए। आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आप में नहीं था। बिल्कुल नहीं था, जीरो सर, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या प्रोफेशनलिज्म, नहीं आइडिया ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। तो मुझे भैया ने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प की है, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं वो। जो जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शिवानी ठाकुर की राह पे चल पड़े हैं और वो इस उनका इन बातचीत सुन रहे हैं, तो प्लीज़ वो ध्यान रखें कि ये भी आपका एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन की रिस्पेक्ट आपको करनी भी पड़ेगी और करवानी भी पड़ेगी। बिल्कुल, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, हाँ फील फ्री टू टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा, क्योंकि मैंने जो क्योंकि ये भी केस किया बहुत है ना, मुझे लगता है ये बहुत मेहनत का काम है, बिल्कुल सर, कंटेंट बनाना, चाहे पूरा दिन में मुझे लगता है 4-5 वीडियोस बनाने, कंटेंट बना, पहले तो कंटेंट के बारे में सोचना, सोचना, उसके बाद उस कंटेंट पे खरा उतरना, बनाना, फिर बिल्कुल उसको एडिट करना, फिर पोस्ट करना, फिर नेचुरली मुश्किल काम होता है ये भी, बिल्कुल इतना बिल्कुल, आसान नहीं है जितना लगता है कि एक वीडियो लिया और पोस्ट कर दिया। डेफिनेटली सर। वो तो अभी मैंने एक्चुअली शादी के बाद जो कोलैबोरेशंस मुझे आए उसमें मेरी बहुत हेल्प हो गई। पहले तो बिल्कुल ही थी ना मैं, मतलब नहीं मेरे से खुद कितनी वीडियो बना पाऊंगी। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब जितनी मेरी वीडियोस होती हैं, जितनी भी कुछ भी कंटेंट है, तो वो शूट करने वाले और कोई नहीं, वही होते हैं बिहाइंड द कैमरा, हमेशा वो रहते हैं। और साथ भी रहते हैं वो, मैंने देखा है, हाँ बिल्कुल अब तो आपकी काफी रील्स में आप दोनों जने साथ में जी रहते जी अब हैं, तो साथ तो में उस भी टाइम रहते कौन हैं। शूट करता है? वो तो कैमरा लगा लेते सर ट्राईपॉड पे, फिर शूट कर लेते हैं हम लोग। कोई कभी अच्छा कभी तो घर वाले भी कर लेते हैं, मतलब मम्मी भी कर लेते हैं, अच्छा मेरी जो कभी सास है। आपको कोई फिल्म्स की ऑफर्स भी आई शिवानी? नहीं नहीं सर, इतनी बड़े नहीं हुए हम अभी। हमने छोटे छोटे नहीं काम कर रहे हैं। और मेरे को सर, मैं नहीं आपको, जैसे ही जैसे वीडियो मैं वो कह रहा हूँ, जैसे पहाड़ी वीडियोस आजकल सॉन्ग्स बनते हैं उसमें भी दे नीड अ मॉडल्स, तो आपका तो मैं देखता हूँ नाटी में, जैसे पहाड़ी कहीं पे भी अच्छी, कोई ऐसा कुछ जी ऑफर्स अभी आए हैं आपके पहाड़ी पास? सॉन्ग्स में कर चुकी हूँ सर, अच्छा मतलब अराउंड 20 इतने तो कर ही दिए हैं शायद, पहाड़ी 20, सॉन्ग्स हाँ भी। जी पहाड़ी की है मैंने गाने। लेकिन मेरा क्या है, मैं मतलब अगर कभी, वैसे पता नहीं बनेंगे कि नहीं, बट अगर कभी अच्छे उस पर चली भी गई ना सर, तो भी मेरा कभी ये नहीं है मैं हिमाचल से बाहर जाने नहीं चाहती हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि काम करने नहीं जाना चाहती, लेकिन एक वो है ना, मेरा मेन मोटिव है कि अगर हम कभी बड़े भी बन जाए तो मैं चाहती हूँ कि हिमाचल की जो कल्चर है ना, हमारी कल्चर की इतनी पहचान बन जाए, लोग स्पेशली आके हमारे कल्चर पे वीडियोज़ बनाए। लाइक हाँ आप देखेंगे कि साउथ इंडियन कल्चर पे कितनी, बहुत तो मैं मूवीज चाहती हूँ बनती वैसा हैं, हो हाँ कि वो बहुत हिमाचली, मेहनत करते हैं अपने कल्चर पर। आप देखना एग्जैक्टली कि आजकल भी अगर आप किसी से बात करो ना, बॉलीवुड मूवीज कम देखते हैं, वो साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं, उनमें मजा भी आता है मजा ही और वो उनमें, पूरी सारी कल्चर बेस्ड बनती हैं, वो वही एक भगवान से, एक धर्म से लेकर वो अपने बिल्कुल, पूरे कल्चर तक, चाहे हाँ जी जमीन है, गाँव है, उस पर बनती है। दैट्स आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि अपने कल्चर को आप जितना संभाल के रखोगे, संजो के तो रखोगे, मैं उसको दिखाओगे, बिल्कुल उतना लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। वही चाहती हूँ सर मैं, कि अगर कभी कुछ बड़े भी बन जाएं तो भी लोग हमें बस इस नाम से पहचाने कि कल्चर से रिलेटेड है ये लोग, तो ये हमारे हिमाचल के साथ जुड़े हैं, मतलब हमें देखे तो बोले हिमाचल, मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं हमेशा, चाहे अगर कभी बड़े भी बन जाए। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर हमारे यहाँ, आप देख लो अभी अगर मैं रुबीना दिलैक की बात करूँ, वो बहुत हाँ कनेक्टेड है अपने रूट्स के साथ, हाँ रुबीन, तो वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। वो भी वैसे अपर ही शिमला की ही हैं। जी वो चौपाल के हैं वो, चौपाल तो के वो भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने रूट्स के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं सर, और उन्होंने बहुत मेहनत की है वहाँ जाने के लिए, तो मतलब वहाँ पे रह के भी अपने रूट्स को ना भूलना, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, एंड ऑल दी हिमाचलीज आर प्राउड ऑन हर फॉर हाँ द सेम। नेचुरली। शिवानी जी, इसी का एक डार्कर एस्पेक्ट है जिसपे मैं बात करना चाहूँगा, रील्स का। जी, आजकल हमारे बच्चे इन रील्स के चक्कर में, जो घरों में भी बात होती है या कहीं पे भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बात होती है, तो यही कहा जाता है कि ये जो सोशल मीडिया है इसने बच्चों को, एक जनरेशन को बर्बाद करके रखा है। दे आर इन टू रील्स, बस रील्स बनानी है और पोस्ट करनी है। ये एक, आपको नहीं लगता, एक वायरस की तरह फैल गया है? दो यू आर अर्निंग फ्रॉम इट, आप जैसे और भी लोग अर्न करने होंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत गलत राह पर भी लेके जा रही हैं? ठीक बोल रहे हैं सर आप। एक्चुअली क्या है, लोगों को चीज़ें मैनेज करनी सीखनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आप, क्योंकि लोग, अब मैं बताती हूँ आपको, ये सिर्फ पोस्ट करने का नहीं है कि रील पोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें जो रीच आनी है उसकी भी एंग्जाइटी है। हाँ सो ये आपको आगे जाके कुछ नहीं देगा, डिप्रेशन देगा डिप्रेशन देगा, बिल्कुल आपको, देगा, हाँ आगे जाके कि आपको अच्छे, इसके अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं है आपकी बॉडी नहीं है, पर, नहीं है। तो आपको चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए सर। लाइक अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ फ़ोन से। मैं अभी इनसे यही बात कर रही थी आज भी, कि मतलब होता है ना कुछ दिन के लिए, एक होता है आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, कि आप फ़ोन से थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि आप वीडियोज़ बना रहे हो, आप एडिट कर रहे हो, आप इन्हीं चीज़ों में हो, वो आपके खुद के ऊपर है कि आपको ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि कितना टाइम आपको किस चीज़ के लिए देना देना है। है। हाँ बिकॉज जो यंगस्टर्स है स्पेशली जो जितने भी यंग लोग हैं ना, उनका क्या है, एक तो कंटेंट पहले क्या ही बना रहे हैं, कुछ तो कुछ लोग, कुछ तो
गड़बड़ी है कुछ तो। हाँ हाँ मतलब वो तो नहीं कंटेंट पता आप चल रहा परिवार के लोगों साथ को, देख नहीं सकते, पहली नहीं बात देख सकते। अब नहीं तो, देख अब तो सकते थोड़ा नीचे नीचे के स्तर का भी कंटेंट आ रहा है और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है जी बच्चों जी को। तो वो, और एक्चुअली क्या है कि वो जो कंटेंट है वो बहुत लोग देख रहे हैं क्योंकि उनके जैसे और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हाँ, तो उसकी वजह से वैसे वैसे जस्ट कंटेंट टू अच्छे गेन चल रहे वो हैं। पब्लिसिटी जल्दी पाने के लिए, फॉलोअर्स जल्दी एग्जैक्टली बढ़ाने के लिए गलत रास्ते लोगों ने अपना हाँ, लिया है। मैं यही कहती हूँ सर, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं बहुत धीरे काम कर रही हूँ, बहुत धीरे। लोगों को मिलता है जैसे अगर आज है, आज उनके सपोज 100 है, वो अगले दिन को भी 1 लाख होते हैं। मेरा मेरा ऐसा काम हुआ है, मुझे 7 साल लगे हैं यहाँ पहुँचने में जहाँ मैं अभी हूँ। तो मैं जहाँ पर भी हूँ, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हाँ कि बहुत हूँ कुछ, बट जहाँ जहाँ भी पे हूँ भी आपने, मेरे हाँ को 7 साल लगी इसमें भी। तो मतलब मुझे पता है कि एक्चुअल में कैसे कैसे आपको जाना है। ये मेरे को ये शॉर्टकट्स नहीं अच्छे लगते कि हाँ बस थोड़ा न्यूडिटी कहीं हो जाए, थोड़ा अब्यूज़ कर लो तो आपका कंटेंट अच्छा चला जाएगा। या कोई वो कंट्रोवर्सी सी बात, कंट्रोवर्शियल बात कोई कर दो। हाँ कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दो तो आपका कंटेंट अच्छा चला जाएगा। मुझे लगता है ये ना करके आपको कुछ ऐसा मीनिंगफुल, एक मीनिंगफुल कंटेंट जो आपको लगे कि बेनिफिशियल भी है किसी के लिए। अगर वैसे बेनिफिशियल नहीं तो एटलीस्ट एंटरटेन कर रहा है, इट इज़ मेकिंग समवन लाफ, तो आप वही करो। बट फिर वो बिलो द बेल्ट आपको जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, मुझे ये लगता है। अब क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जी तो आपने देखा होगा कि रील्स बनाने वाले लोग बर्बाद नहीं हो रहे हैं, जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। एक्चुअल में अगर सर आप नोट करें कि जो हमारा सोशल मतलब मोबाइल का टाइम है देखने का लिया, हम घंटों एक रील से स्टार्ट करते हैं और पता नहीं चलता कि हम 2 घंटे कब वो रील्स को देख रहे हैं। बिल्कुल सर इसे आप कभी आपने किया, अपने सोशल मीडिया हैंडल से आपने कभी गाइड किया है लोगों को कि आप कोई ऐसा वीडियो, हालांकि आपके खिलाफ चला जाएगा क्योंकि आपने बच्चों को खास तौर पे आपने कुछ कुछ गाइडेंस आप इस माध्यम से आपने भी दिया कि यार अपना टाइम नोट कर लो कि इस टाइम पे हमने देखना है और सिलेक्टिव चीजें देखनी है, कुछ ऐसा कुछ किया है आपने? ये मैंने अपने सोशल मीडिया से तो कभी कुछ नहीं किया, बट सर दिस इज़ अ गुड आइडिया फॉर अनदर कंटेंट। यस, आगे जाके ये मैं इस पर कंटेंट मैं आपको दे कंटेंट रहा हूं कि ये, डेफिनेटली और ये बिल्कुल लोग आपकी बात को सुनेंगे कि कब देखना है, कितना देखना है, क्यों देखना है और कैसा देखना है। ये हाँ बहुत जी जरूरी बिल्कुल है कि आप जैसे जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो साथ में रील्स के साथ साथ अगर एक गाइड गाइड भी बच्चों को करते बिल्कुल रहें बिल्कुल तो उनके दिमाग में जरूर ये बात रहेगी कि नहीं, दीदी ने कहा था, बिल्कुल शिवानी ने कहा था, बिल्कुल सर जैसे जैसे भी लोग आपको कनेक्ट करते हैं अपने हाँ। साथ। लाइक हम बाहर के लोगों को नहीं बोलते, बट हमारे घर में एक बच्ची है छोटी, मेरे जेठ की बेटी है, उसके पास उसको ये पता है स्ट्रिक्टली कि अगर मैंने बोला है, मुझे वो छोटी मम्मा बोलती है, तो उसको ये पता है कि भाई अगर मम्मा बोल रहे हैं कि अभी नहीं देखना है तो मतलब उसको पता है कि वो, जैसे मैं घर पर हूँ तो उसे ये है कि गेम्स खेलेंगे हम, क्योंकि मैं उसको टीवी पे ज़्यादा नहीं रहने देती, इवन टीवी फ़ोन पर ज़्यादा नहीं रहने देती मैं। मेरे साथ ये नहीं चलता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों से ही उनको ये आदत डाल देंगे, बट फिर वो हमें खुद काम करना पड़ेगा ना उस पर। लाइक अगर बच्चे को हम बोले तू पढ़, खुद हम फोन चला रहे हैं, तो वो नहीं हो वो नहीं होगा पाएगा। एग्जैक्टली, होता यही है, हाँ वो हम नहीं कर उसको बोलते हैं पाएंगे, तो पढ़ो, खुद हम मोबाइल पे लग जाते तो हैं। बैलेंस करना पेरेंट्स को पड़ेगा पहले, तभी वो बच्चों को बोल पाएंगे, मेरे को ये लगता है। एंड जब हम मैं उसके साथ होती हूँ तो आई मेक श्योर कि हम या तो सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं, या फिर मैं उसको, अगर वो पढ़ रही है तो फिर मेरा भी फ़ोन साइड में है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ऐसा है सर कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है ना, ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, पढ़ती जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ये यही होगा। बढ़ती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फ़ोन के साथ नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे विच हैं कई, इज़ कुछ का तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। अब एग्जैक्टली मेरे सर परिवार में कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जिन जिनका फेसबुक अकाउंट है लेकिन उन्होंने बिल्कुल बंद कर, कहते भी हमें ये, वी आर अपसेट, मतलब हमने छोड़ दिया है फेसबुक, या हमने इंस्टा पे ही हैं हम, या एक ही चीज़ पर हैं, मतलब वो इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं। कुछ बिल्कुल लोग, बिल्कुल अब हमारी फैमिली, अपनी फैमिली की आप बात कर सकते हैं, कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे बिल्कुल क्योंकि सर हमारी लाइफ इसके साथ कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। मैं ये बोल सकती हूँ सर, बैलेंस करनी पड़ेगी चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं खुद को, और फिर हम बिल्कुल तो नहीं छोड़ पाएंगे, हमें भी पता है। बस इट्स जस्ट अबाउट बैलेंसिंग थिंग्स आउट, लाइक हम खुद ना करके कुछ चीज़ें हम आगे किसी और से करवा सकते हैं, जिससे उनका, हमारा भी टाइम थोड़ा उससे हटेगा कि वीडियो शूट कर लिया अब कोई और एडिट कर रहा है, और उनको एक एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी पहली बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा हमें भी मेंटल पीस मिलेगा। मैं तो चली जाती हूँ सर, बीच बीच में हो जाता है मेरा, एक हफ्ते में गैप दे देती हूँ बीच में, दे देते हैं बीच बीच गायब। में, हाँ लेकिन अब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है क्योंकि अगर आपने किसी को बुलाना है आज की डेट में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी अच्छी गैदरिंग होगी, कहीं के शोरूम की ओपनिंग हो रही है, जी किसी ने अपना, अब कोई रियल एस्टेट का ही है या कोई ज्वेलरी हाउस ही है, किसी ने भी, जी दे नीड, मीडिया हाउसेज ही हैं ना, मैं डेफिनेटली सर सबकी बात करता हूँ, बिल्कुल दे नीड
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनको लगता है कि उनको बुला के बैठ के हमारी रीच जो है बहुत अच्छी चली जाएगी, तो आपकी भी तो लाइफ इस तरह से स्ट्रेसफुल होगी। हालांकि आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस तो मिल गया है जी, लेकिन जी। इसको संभालना इतना आसान लगता नहीं? नहीं सर, अभी मैरिज के बाद तो ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है, इवेंट्स होते हैं और ये प्रमोशन वगैरह होती है जो मैं स्किप कर देती हूँ इसी वजह से, क्योंकि एक तो सर हम जैसे अब मैं घर पर अगर बैठी तो घर पर भी मैं बिल्कुल घर पर नहीं बैठ सकती, तो हम लोग मैं घर का काम तो करती हूँ, उसके साथ साथ हम लोग, मैंने आपको बताया ऑर्चर्ड्स है हमारे, तो हम लोग एप्पल्स का वो था हमारा भी सीजन था पिछले दो कर महीने, देखा मैंने आप काफी प्रमोशन अपने एप्पल्स की भी करते ब्लैक कलर वालों की जी, तो उन उस प्रोसेस में सर हम लोग इतने बिजी थे कि मैंने बहुत सारी, दो महीने में तो मुझे ये भी नहीं पता चला है कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था, बिकॉज मैं खुद भी बिजी होती हूँ इतनी, तो ये है कि स्ट्रेसफुल तो डेफिनेटली है, जाना हो पहले तो यही स्ट्रेसफुल है, आज मुझे मंडी जाना है, आज मुझे धर्मशाला पहुंचना है, धर्मशाला से मुझे मनाली पहुंचना है, इवन मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बेटे तू सांस कब लेती है, मुझे ये बता दे सोती कब है तू, स्ट्रेस कब करती है, बिकॉज हम काफी बार 12-12 बजे पहुंच रहे हैं घर, 1-1 बजे पहुंच रहे हैं, तो उनको ऐसा होता है कि तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल ही तुमने ऐसी कर दी है कि तुम बहुत बिजी हो चुके हो, मेट्रो लाइफ हो गया, बट क्या करें सर, मैं एक्चुअली बताऊँ मुझसे ना मेरे से बेला नहीं रह जाता, बिल्कुल फ्री मैं नहीं रह सकती, वो मुझे स्ट्रेस देता है, बल्कि यार मैं तो फ्री बैठी हूँ तो फिर वो फ्री बैठना मुझे ज्यादा स्ट्रेस देता है, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि आई एम वेरी बिजी इन माय लाइफ, तो मुझे वैसी लाइफ पसंद है। अब चलिए शिवानी जी, अब चलते चलते आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, आप एक लेवल पे तो आप पहुंच गई हैं जी सर, आप होता ऐसा है कि लाइफ में आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, उस लेवल को मेंटेन करना या उससे ऊपर जाना वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, तो आप अब आगे का क्या है आपका, कैसे अब आप इसको, आपको लगता है कि शिवानी इससे ऊपर जाएगी तो क्या करना है? सर मुझे ऐसा लगता है जो हमारे प्लान्स है कि जाना तो ऊपर ही है, ऑब्वियसली सब आगे ही जाने का सोचते हैं, बढ़ने की सोचते हैं जी, तो बस इन दिस प्रोसेस हम लोग कुछ एक दो चीज़ें और लोगों के लिए और सोर्सेज लेके आएंगे थोड़े एम्प्लॉयमेंट के, हम लोग कुछ अपने आगे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो मैं अभी एकदम ऐसे रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट थोड़े टाइम में हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम काफ़ी सारे और लोगों को अपने साथ जोड़ने वाले जी जी, थोड़े एम्प्लॉयमेंट भी दें, हाँ जी सर, तो वो भी हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं, एंड मैं एक बार ज़रूर चाहती हूँ कि मैं एक बार कभी टीवी पे जाऊँ, ये मैं आज बोल रही हूँ, एक बार टीवी पे जाना चाहती हूँ, टीवी सीरियल्स करना चाह रही हूँ, नहीं कुछ नहीं करना चाह रही सीरियल्स, बस मैं जाना चाहती हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर जाके हम लोग एक छाप छोड़ पाएँ अपने हिमाचली कल्चर की, एक ऐसी छाप छोड़ पाए कि लोग हमेशा याद कर सके कि हिमाचल का कल्चर जो है वो इतना रिच है कि वहाँ जाकर हम क्यों ना एक मूवी शूट करें, जैसे मैंने आपको साउथ इंडियन मूवीज़ के बारे में बोला, तो मैं चाहती हूँ यहाँ आए लोग। अच्छा, आप टीवी पे जाना चाहते हैं, मतलब आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, सीधी बात नहीं हुई है? नहीं सर, आई डोंट नो मैं कैसे जाना चाहती हूँ, बस मैं जाना चाहती हूँ कि मैं इतना दूर तक, इतना आगे तक पहुँचना चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो थोड़ा जाने हमारे कल्चर, मेरे को ना सीरियल्स करने ना मुझे मूवीज करनी है, फिर कैसे जाएंगे? फिर आई डोंट नो, फिर कौन सा रास्ता ढूंढ रही हैं आप? पता नहीं सर, देखते हैं, लेट्स सी, कोई एक रास्ता है हमारे पास, अब वो जा पाएंगे कभी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं जाना चाहती हूँ जरूर। थैंक यू सो मच सर, और मैं आप सभी लोगों से, जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग जाकर न्यूज रडार के पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।